सेफ्टी के लिए जो है लाइफ जैकेट बहुत ज़रूरी है, तो मैंने पहन लिया, सब लोग पहन रहे। उसके बाद अपन चलेंगे वहाँ पे और बोटिंग करेंगे। अभी हम लोग जो इस वाले होटल से जा रहे हैं, जब हम लोग इस होटल में आए थे पहले दिन, तो ये जो होटल था बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा था रूम, लेकिन अभी इस रूम की पूरी पिक्चर बन चुकी है। क्या? हाँ, आधार कार्ड ही है, हमारे आधार कार्ड भूल गया था, अच्छा ज्ञान दिला दिया। और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमारी पैकिंग हो चुकी है, संचय भैया की अभी तक नहीं है, मेरी और दादा की तो हो ही गई है। अभी हम लोग जो है इस होटल से चेकआउट करे थे, तो सोचा कि आप लोगों को एक छोटा सा टूर दे देता हूँ। तो ये हमारा बेड था, यहाँ पे थोड़ी रैक वैक थी और चेयर था काम करने के लिए ऑफिस वाला, और जस्ट इसके पीछे ही बालकनी है। और वॉशरूम की बात करूँ तो यहाँ का वॉशरूम तो अच्छा ही था। अभी हम लोग यहाँ पे नए वाले होटल में आए, और ये वाला होटल वैसे अच्छा है, ये थोड़ा बहुत पहले हमको यहाँ पे ओयो ने बोला कि भाई 1100 रुपये, और यहाँ पे आने के बाद जो पिक्चर कुछ और ही हो गई। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, संजय भैया बिल्कुल तैयार हो गए। होटल कैसी है? लड़का लड़की के लिए ठीक रहता है भाई, ओयो कसम से बता रहा हूँ, ओयो कभी वो कर ला तो सिर्फ लड़का लड़की के लिए कर ला। मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताता हूँ, अगर आप लोग कुछ भी होटल बुक करोगे ना ओयो से, तो खाली समझ जाना कि कपल के लिए हो, अगर तुम जेंट्स के लिए हो, खास करके 3 लोग हो, तो बिल्कुल तुमको ऐसे ऐसे रूम मिलेंगे जहाँ पे खाली बेड आएगा। और हम लोग तो 3 लोग हैं, बिल्कुल 1100 रुपये बोल के यार एक अलग सा छोटा सा बेड दे दिए बस हमको। अभी हम लोग जा रहे बाहर घूमने के लिए, मैंने अपना कैमरा बैग पकड़ लिया, अब देखते हैं क्या घूमने लायक है। संजय भैया तो बहुत एक्साइटेड हो रहे घूमने के लिए, कूद रहा हूँ मैं तो जोर जोर से। संजय भैया बहुत खुश है मुंबई आके, ये बात तो है। अभी हम लोग जो है जुहू चौपाटी जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा बीच है। संजय भैया कैसा? अरे बहुत मजा आने वाला भाई, कसम मजा आ रहा हूँ अभी, मजा आने वाला, देखते कितना मजा आता है। मैंने देखा तो था यूट्यूब पे ही, तो अच्छे खासे वीडियोज थे, आप जाके देखते। मेरे बाल तो यहाँ पे आने के पूरे भाई नावस के हो गए हैं। तो ये है जुहू चौपाटी, और देखो पब्लिक भी अच्छी खासी है, और बीच तो ये अच्छा दिख रहा है। अब पास जाके देखते हैं। संजय भैया यहाँ पे आने का थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, अभी वाले बीच में थोड़ा पैसा वसूल टाइप का। हाँ मस्त ठंडा पानी है वो, देखो वहाँ से प्लेन भी जा रहा है, अच्छा है वैसे तो। वहाँ पे देखो बोटिंग भी हो रही है, वहाँ पे भी अपन जाके पहले थोड़ी देर यहाँ पे इंजॉय करते फिर चलेंगे आगे। यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह भी क्लिक करूँगा, मतलब अच्छा है। कल हम लोग वाटर पार्क गए थे, और आज ये क्या नाम है इसका, कुछ तो पार्टी है ये, उधर आया अंधेरी के आसपास। संजय भैया क्या खा रहे हो? कितने का ये? 20 रुपये। ये गोंदिया में इसका डबल मिलता था 20 में, तो ये बताने क्या है चना चोर, जो कि गोंदिया में यही 10 रुपये का मिलता है, बट यहाँ पे 20 रुपये का, जा का फेमस है ऐसे बोल तो रहे। और ये बीच वाकई में बहुत अच्छा, देखो प्लेन कितने पास पास से जा रहे हैं, आगे जाएंगे उधर साइड और वहाँ पे करेंगे बोटिंग। सबसे ज़्यादा मज़ा तो तुमको ही आ रहा है, देखो जूते पहन के जा रहे कितने सारे लोग यार, मतलब फैमिली के साथ है तो फुल एंजॉयमेंट। सेफ्टी के लिए जो है लाइफ जैकेट बहुत ज़रूरी है, तो मैंने पहन लिया, सब लोग पहन रहे। उसके बाद अपन चलेंगे वहाँ पे और बोटिंग करेंगे। संजय भैया कुछ नहीं होता, तुम डरो क्यों होता, डरो मत। फट गई क्या संजय भैया? अरे अरे तुम कहाँ मर जाते हो बता नहीं, ये भगवान पानी में कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। बच गया भाई, डर लग रहा था यार बहुत ज्यादा मेरे को। हाँ
गाड़ी के बहुत है भाई। मजा तो बहुत आया, अंदर से फट भी गई बस, लेकिन अभी हो गया, बहुत अच्छा लगा रहा है यहाँ पे। बोले थे राइडर थे। संजय भैया को लगी है भूख, तो यहाँ पे अपन खा रहे गुपचुप, और यहाँ पे जो सीन है ना बहुत जबरदस्त है। मतलब यहाँ पे गुपचुप खाओ, बाजू में सीन एंजॉय करो। गुपचुप के बाद जो है अभी यहाँ पे हम लोग खा रहे आइस गोला, मजा आ रहा है ना। यहाँ पे मस्त खाओ और वापस सीन एंजॉय करो। ये जो आप घर देख रहे हो ना, ये अक्षय कुमार का घर है, ये वाला वो वाला घर अक्षय कुमार का, और इधर साइड पूरा बीच। पैदल घूम घूम के पूरा थक गया, यहाँ पे थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर जाएंगे कुछ और खाएंगे पियेंगे। वैसे ही बीच होने के लिए बहुत अच्छा है, और वहाँ पे जो मैंने आपको घर दिखाया वो तो पक्का अक्षय कुमार का घर है, मैंने गूगल पे भी चेक किया, और जिस जगह का नाम है झूपाटी। झूपाटी वहाँ पे संजय भैया जो है फोटो निकाल के दे रहे, मैं तो भैया बहुत थक गया यहाँ पे। ये जो अभी आप डॉग देख रहे हो ना, ये अक्षय कुमार के बिल्डिंग से अभी अभी आया डॉग, और शायद उन्हीं का डॉग होगा। ये जगह ना घूमने के हिसाब से बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, यहाँ पे आने के लिए कोई टिकट वगैरह भी नहीं लगती। बस ये कि अगर आप अकेले होंगे तो बोल जाओगे, अगर फैमिली के साथ होंगे तो आपका मजा जो है डूबना हो जाएगा। अभी तक मैंने खाली गोल्ड मैन दिखा था, आज सिल्वर मैन भी देख लिया। अभी हो गया घूम के मस्त से, बहुत मजा आया, और अभी चलते वापस अपने होटल में, या तो फिर कहीं और रात में घूम जाएंगे। मजा आया अभी, बहुत तगड़ा। छोटा सा बिच था, लेकिन छोटा सा बहुत छोटा सा नहीं था, बहुत बड़ा बिच था। तो नहीं है रात को क्या नहीं किए, जस्ट थोड़े टाइम पहले घूम के आए थे, और मैं जैसे ही घर वैसे ही रूम में आया वैसे ही सो गया, और वापस से अभी संजय भैया की इच्छा हो चुकी बाहर घूमने की, तो चलते हैं अभी बाहर घूम के आते हैं। लगभग अभी रात के 1:30 बज रहे, और अभी हम लोगों ने जोमेटो से 2-3 चीज़ें ऑर्डर करी है। मेरे को पता नहीं था कि रात को 2-3 बजे तक के जो है डिलीवरी हो जाती है, जहाँ पे मैं रहता हूँ भाई वहाँ पे तो 11 और 10 बजे ही बंद हो जाता है। रात के लगभग हमने 1:25 को ऑर्डर किया था, और अभी लगभग 2 बजने वाले, तो रात को 2 बजे ऑर्डर आ गए। पिज़्ज़ा तो हमारा आ गया, लेकिन ये बहुत छोटा है, डोमिनोज का पता नहीं अब किसका, लेकिन पिज़्ज़ा है। 2 मिनट ढूंढना मैं। रात के 2 बजे आया भी है पार्सल देने के लिए। ये जो पिज्जा पता नहीं किसका, लेकिन ये जो है ये फ्रेंच फ्राइज, और ये मैकडोनल्ड का है, और ये कोक जो कि मैकडोनल्ड की है। इतना सब कुछ खाने के बाद अभी हमने और चीज ऑर्डर की है, जो कि चिकन ट्रिपल राइस। ये दोनों तो आराम से सो गए मजे से, ये लोग तो सो गए, अभी अपन भी सो जाते हैं, मेरे को भी बहुत नींद आ रही थी। और इसी के साथ जो है इस व्लॉग को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मजा आएगा, अगर आपको मजा आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप लोग नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एंड सायोनारा।